इथेरियम ब्लॉकचेन के अपग्रेड वर्जन इथेरियम 2.0 को लेकर अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बात हो रही है और क्रिप्टो इन्वेस्टर भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। इथेरियम डेवलपर इसे इथेरियम मर्ज कहते हैं। यह फर्स्ट स्टेप है दोस्तों इथेरियम अपग्रेडेशन का। इसके टोटल 5 स्टेप होने वाले है। फर्स्ट है द मर्ज, सेकेंड है द सर्ज, थर्ड है द वर्ज, फोर्थ है द पर्ज, फिफ्थ एंड लास्ट है द स्लर्ज। बट अभी बस फर्स्ट स्टेज ही कंप्लीट होगा द मर्ज। राइट नाउ इथेरियम चैन क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्लॉकचेन है। ऑलमोस्ट सभी बड़ी क्रिप्टो अपने टोकन को सबसे पहले ERC-20 पर ही लेकर आती है। इथेरियम क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन के बाद सेकंड सबसे बड़ी क्रिप्टो है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसे में इथेरियम ब्लॉकचेन को अपग्रेड करना क्रिप्टो इंडस्ट्री में हिस्टोरिकली सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। बट इसको अपग्रेड करना भी एक बड़ा टास्क है और इथेरियम ब्लॉकचेन को अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इथेरियम। इथेरियम ब्लॉकचेन दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपैटिबल है और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन है, जिस वजह से इथेरियम नेटवर्क की पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला क्रिप्टो मार्केट में। और जैसे ही मेजोरिटी ऑफ प्लेयर इथेरियम को यूज करने लगे, उसके साथ ही इथेरियम ब्लॉकचेन की स्पीड में भी कमी आने लगी और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इथेरियम गैस फीस का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, जिस वजह से कई सारे बिग प्रोजेक्ट इथेरियम के कंपटीटर्स की तरफ शिफ्ट होने लग गए। वो खुद को इथेरियम से ज्यादा फास्ट और लो फीस प्लेटफॉर्म बता रहे हैं और साथ में कई ऐसे प्रोजेक्ट भी है जो इथेरियम के अंडर भी काम कर रहे हैं, लाइक मैटिक। इसके साथ ही इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर बेस्ड है, जिसके लिए कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा कंप्यूटर को रन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है। और इस वजह से कई एनजीओ क्रिप्टो माइनिंग को लेकर इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज उठा रहे हैं। बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी ब्लॉकचेन में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, बट इथेरियम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इथेरियम ब्लॉकचेन को अपग्रेड किया जा सकता है और ये अपग्रेड प्रोसेस में है, जिसे इथेरियम 2.0 कहा जा रहा है। अब बात करते हैं इथेरियम 2.0 कैसे डिफरेंट होने वाला है इथेरियम से। फर्स्ट है दोस्तों स्पीड। इथेरियम को अपग्रेड करने के पीछे का एम है इथेरियम की स्केलेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, जिससे जो ट्रांजेक्शन टाइम है उसे रिड्यूस किया जा सके, जिस वजह से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इथेरियम नेटवर्क को यूज कर सकती है। इस अपग्रेड के बाद हर सेकंड में हजारों ट्रांजेक्शन हो पाएगी इथेरियम नेटवर्क पर। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्योरिटी। किसी भी ब्लॉकचेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नेटवर्क की सिक्योरिटी, ताकि नेटवर्क को सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके। और नेटवर्क को सिक्योर करने का काम होता है वैलिडेटर्स का। राइट नाउ इथेरियम को माइन करने के लिए बिग सेटअप्स और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बावजूद भी इथेरियम नेटवर्क सबसे सिक्योर है। नेक्स्ट है गैस फीस। इस अपग्रेड के बाद इथेरियम गैस फीस में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी। नेक्स्ट है डेवलपर्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एप्लीकेशन बनाना और डिप्लॉय करना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा इथेरियम के यूजर्स में काफी ज्यादा राइज आएगा और इसके प्राइस में भी अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक पर आने से यह इको फ्रेंडली भी हो जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक से बिजली की खपत कम होगी और हार्डवेयर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से इथेरियम नेटवर्क का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट है दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। इथेरियम 2.0 का मेन गोल है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर ट्रांसफर करना, जिससे इसके वैलिडेटर बनने के लिए 32 इथेरियम स्टेक करने की जरूरत होगी। इसमें प्रूफ ऑफ वर्क जितनी कंप्यूटर नॉलेज और एनर्जी नहीं चाहिए होगी। इसके अलावा कोई चाहता है तो पूल शेयर में भी कम इथेरियम स्टेक करके भी वैलिडेटर का बेनिफिट उठा सकता है। इतने सारे चेंजेस हमें इस अपग्रेड के बाद देखने को मिलेंगे इथेरियम ब्लॉकचेन पर। बट अभी इथेरियम की फर्स्ट स्टेज ही प्रोसेस में है द मर्ज। द मर्ज में सबसे पहले बीकन चेन को मेन ब्लॉकचेन के साथ लिंक करना है। बीकन चेन राइट नाउ लाइव है। बीकन चेन का पर्पस होगा नेटवर्क पर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए बेस रेडी करना। इसका यूज इथेरियम की स्टेकिंग के लिए किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन को अपग्रेड करने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वैलिडेटर्स की। राइट नाउ इथेरियम वैलिडेटर्स का नंबर काफी इंक्रीज हो चुका है, जिस वजह से ये अपग्रेड किया जा सकता है, जो इथेरियम नेटवर्क को सबसे फास्ट, एफिशिएंट एंड सिक्योर बनाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं कब होगा द मर्ज। वैसे तो इथेरियम 2.0 को लेकर लास्ट 2-3 ईयर से ही बात चल रही है,
बट अभी के लिए 19 सितंबर की डेट रखी हुई है। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो इसे और भी डिले किया जा सकता है, जैसा होता आया है लास्ट कई टाइम से। और जब से ये अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से इथीरियम और इथीरियम से रिलेटेड जितने भी कॉइन्स हैं मार्केट में, सभी में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इथीरियम, ETC, मैटिक, ENS सभी में इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं। इथीरियम में हमें 1 वीक में ही 50% तक का जंप देखने को मिला। ETC में भी हमें 50% से ज्यादा का राइज देखने को मिला। मैटिक की बात करें तो दोस्तों, मैटिक के प्राइस में हमें 200% तक का जंप देखने को मिला है, और इसमें तो इन्वेस्टर लास्ट 2-3 मंथ से बाइंग कर रहे हैं। ENS के प्राइस में भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, और ये सभी कॉइन इथीरियम से कोरिलेटेड है। और जैसे ही इथीरियम 2.0 कंप्लीट होता है, उसके साथ ही इथीरियम की सप्लाई में भी कमी आएगी। गैलेक्सी डिजिटल ने भी इसको लेकर रिसर्च की है, जिसमें इनसाइट निकल कर आई है कि सप्लाई में कमी आना इथीरियम इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव होने वाला है। और जो बिग क्रिप्टो एनालिस्ट है दोस्तों, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट बुल रन में इथीरियम का प्राइस $10,000 तक पहुंच जाएगा। अगर आपको भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हो और सिर्फ ₹100 से अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।